भाई ग्रुप 14 पता है क्या होता है? देखो एक जनरल आइडिया पी ब्लॉक का आपको होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है ये डीवीडी देखने से पहले एक रीडिंग मार लो एनसीईआरटी की, या इवन इस बुकलेट की रीडिंग मार लो आप अच्छे से, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। पूरा पूरा मैं पढ़ाऊंगा, इट विल बिकम बोरिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है? 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 एंड 6s2 6p2, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब होता ही है, एलॉटर भी जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, ये और ये दोनों है ना, दे एग्जिबिट दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलॉट्रोपी। एलॉट्रोपी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन एक दूसरे से लिंक करने लगता है, एक दूसरे से लिंक करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छे समझते हैं, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्बन। अभी ग्रेफाइट डायमंड की बात हो रही है तो लेट अस लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्बन। ये जो कार्बन है ना, ये अपने आप से ही लिंक करता है, बहुत सारे कार्बन एटम से लिंक करता है और कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, तो बेसिकली इसी को एलोट्रोपी कहते हैं। अब कार्बन बेसिकली फॉर्म्स 3 एलोट्रॉप्स, इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला होता है ग्रेफाइट, काफी चीप होता है, ऐसा ग्रीजी टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रे इन कलर होता है। डायमंड, डायमंड तो आप लोग सब जानते हो क्या होता है। तीसरा होता है फुलरीन, नॉट मेनी आर फेमिलियर विद फुलरीन्स एंड वी इवन डू नॉट वॉन्ट टू गेट फेमिलियर विद इट, काफी कम इंपॉर्टेंस है इसकी, फुलरीन की। सबसे पहले ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है यार। ग्रेफाइट सुनते ही सबसे पहले चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये काफी अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, उसमें पूछा गया क्यों, तो सबसे पहले क्यों भाई, अब हम कैसे बताएं क्यों, तो सोचो कि यार ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो देखते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। ग्रेफाइट है ना अपना, ग्रेफाइट पता है कैसा होता है, मैं बताता हूँ। हेक्सागोनल रिंग्स पता है आपको क्या होती है, ये ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स होती है। ठीक है, ऐसी अरेंज होती है, ठीक है? ये एक प्लेन में ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स अरेंज है, इसके ऊपर बोर्ड के बाहर बिल्कुल ऐसी रिंग्स प्लेस है, फिर इसके ऊपर ऐसी रिंग्स प्लेस है, फिर इसके ऊपर ऐसी रिंग प्लेस है, तो ये बेसिकली टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट हैज गॉट अ 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट है ना ये, ऐसी एक शीट, उसके ऊपर दूसरी शीट, उसके ऊपर तीसरी शीट, ऐसे शीट पे शीट, शीट पे शीट, ठीक है? तो 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बढ़िया, अभी भी समझ में नहीं आया यार क्यों इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आइए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये समझ रहे हो क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड। इसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं, सी ये देख रहे हो, ये जो कार्बन एटम है ये 3 कार्बन से लिंक्ड है, 2 कार्बन से तो ये लिंक्ड है बाय सिंगल बॉन्ड्स, और जो 1 कार्बन है उससे ये लिंक किया हुआ है इसने खुद को बाय डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड है ना वो ऐसा है, इसके पी ऑर्बिटल से ना परपेंडिकुलर। पाई बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे 2C है वो पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं उससे पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पे ये 2 परपेंडिकुलर है, यहां पे ये ऐसे 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 निकले हुए, ठीक है? अब होता क्या है, जैसे ये 2 यहां निकले हुए हैं, ये 2 ऐसे निकले हुए हैं यहां पे, देखो मैं बताता हूं, ये निकले हुए हैं,
यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स दे डीलोकलाइज डेफिनेटली दे डीलोकलाइज अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है डेफिनेटली इट हैज टू बी डीलोकलाइज. अब होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है यहाँ से यहाँ कूदता है यहाँ से यहाँ कूदता है और कूदते चले जाता है ऐसे चलते चले जाता है यहाँ से कूदा 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 ऐसे चले गए. भाई इलेक्ट्रॉन मूव करना ही तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द फ्लो ऑफ करंट. व्हाट इज करंट इलेक्ट्रॉन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट. इलेक्ट्रॉन द फ्लो हो गया क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड ग्रेफाइट की क्यों होती है अभी तो समझ में आया क्यों होती है. ये ज्यादा क्यों होती है अभी समझ में नहीं आया क्यों होती है समझो. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा क्यों क्योंकि इट वॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. sp2 हाइब्रिडाइज्ड था तो क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में कूद सकता था इसीलिए करंट फ्लो हुआ. अच्छा एक और चीज करंट ऐसे प्लेन में फ्लो होता है एक ही प्लेन में डजंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वन शीट टू अनदर. इट कैन जंप थ्रू आउट द शीट बट इट कैन नॉट जंप फ्रॉम वन शीट टू द नेक्स्ट शीट. तो ऐसा नहीं होता इसलिए करंट हमेशा ऐसे फ्लो होता है करंट ऐसे फ्लो नहीं होता. ठीक है तो ये समझ में आया. अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज ग्रेफाइट के बारे में कि जो दो शीट होती है ना जैसे ये शीट थी एक ये शीट थी एक इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोई बॉन्डिंग है मतलब देयर हैज टू बी अ फोर्स. तो वो फोर्स पता है कौन सा होता है. दीज फोर्सेस बिटवीन द शीट्स आर वेरी वीक दे आर वैन डर वाल फोर्सेस. तभी तो एक शीट एक दूसरे ये जो एक शीट है और ये एक शीट है ये जो वाली शीट है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है. इनमें इतनी कम बॉन्डिंग होती है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है ऐसे स्लाइड कर जाती है. ठीक है तो जो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी वीक एंड दैट इज ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस. और यहाँ जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग सिंपल बॉन्डिंग है. तो ये अपन ने ग्रेफाइट पढ़ लिया. अच्छा दूसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो होता है दैट इज डायमंड. अच्छा डायमंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती. इतनी ज्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें कोई sp2 हाइब्रिडाइज होता नहीं है उसमें कोई परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता नहीं है उसमें दोनों शीट के बीच में या शीट नहीं होती उसमें तो शीट ही नहीं होती. अगर होती भी तो उन दोनों शीट के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है. दोज वैन डर वाल फोर्सेस एक्चुअली लेड टू द स्लाइडिंग ऑफ दोज टू शीट्स. शीट्स होती भी ना और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती तो अपने आप ही स्लाइड नहीं करते अपने आप ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती. अच्छा अच्छा यही रीजन है ये जो शीट्स एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती है ना ये एक और रीजन है इसके सॉफ्ट होने का. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तो एक रीजन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन p ऑर्बिटल टू द अदर p ऑर्बिटल. और जो शीट्स एक दूसरे पे स्लाइड करती है ना ये एक्सप्लेन करता है व्हाई ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट. ठीक है अच्छा अब जो डायमंड होता है ना डायमंड काफी महंगा होता है ना आपको पता ही होगा डायमंड काफी महंगा होता है. इसका क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ऐसे टेट्राहेड्रल होता है ना टेट्राहेड्रल बहुत सारे टेट्राहेड्रल ऐसे एक दूसरे पे देयर लाइक जॉइंट टुगेदर. तो डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. अब ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती थी तो भाई कैसे होती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ये डायमंड होता है. अच्छा एक और चीज अब ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है ना जो कि यूजुअली होता है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा. भाई प्रेशर लगा दो ग्रेफाइट पे अपने आप डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ये इतना इजी नहीं है प्रेशर काफी हाई होता है. तो वो अगर नेचुरल कन्वर्जन होना है ग्रेफाइट का डायमंड में तो वो इतने साल इसीलिए लगते हैं. डायमंड जो अंदर होता है ना अंदर ग्रेफाइट पड़ा हुआ है ड्यू टू द प्रेशर ड्यू टू द अर्थ वो इतने साल लेता है ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए. आर्टिफिशियली करना है तो इतना ज्यादा प्रेशर इज नॉट फीजिबल. ठीक है तो ये अपना हो गया डायमंड विच वॉज द सेकेंड एलोट्रॉप. अच्छा अब वो जो फुलरीन था ना उसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही बात जान लो कि द मोस्ट फेमस फुलरीन इज C60. इट इज नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन बकमिंस्टर फुलरीन एंड इसका स्ट्रक्चर जो है इट रिजेंबल्स अ फुटबॉल. ठीक है बस इतना जानने की जरूरत है. ठीक है ये हो गया ओके.